निटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। फ्रेंड्स, निटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा, आज मैं आपके लिए सिंगल कलर का ये पैटर्न लेकर आई। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में ये ईजी है। ये देखिए, ये इसका रॉन्ग साइड। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन में, जेंट स्वेटर में, बेबी स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने 5 मल्टीपल +2 एडिशनल +2 एज फंदे। इस डिज़ाइन को हम इस पर बनाएंगे। ये देखिए, 10 नंबर की मैंने ये नीडल ली है। फर्स्ट रो बनाएंगे राइट साइड से। ये हमारा एज फंदा है जिसे मैं सीधा बना रही हूँ। आप इस फंदे को निकाल भी सकते हैं, बिना बुने आप इसे उतार सकते हैं। मैं इस फंदे को यहाँ पर सीधा बना रही हूँ। ये देखिए, फर्स्ट रो में सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये देखिए, सीधा बनाकर इसे हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो को हमने सीधा बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे सेकंड रो रॉन्ग साइड से। ये हमारा एज फंदा है। इस फंदे को यहाँ पर मैं उल्टा बना रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ये फंदा मैंने सीधा बनाया, ये फंदा मैं यहाँ पर उल्टा बना रही हूँ। अब यहाँ पर आपने एक धागे को घुमाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बना लेंगे। ये देखिए, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब यहाँ पर 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, 1, 2 और 3 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाने हैं। धागे को हम पीछे करेंगे, 1 और 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बना लेंगे। धागे को हम अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पर हम सीधे बनाएंगे। धागे को हम आगे करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाया, एक फंदा यहाँ पर हमने उल्टा बनाया। अब ऐसे ही हम इसको रिपीट करेंगे। यहाँ पर हमने 2 फंदे सीधे बनाए, यहाँ पर हमने एक फंदा और यहाँ पर सीधा बनाया। धागे को हम अपनी साइड करेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। अब बनाएंगे हम थर्ड रो। ये देखिए, अब बनाएंगे राइट साइड से थर्ड रो। एज फंदा सीधा बना लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, उल्टा बनाएंगे। यहाँ पर 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, धागे को हम पीछे करेंगे। 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे। 2 फंदे हम यहाँ पर बीच में उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे। 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। 3 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे। 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये देखिए, थर्ड रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब बनाएंगे रॉन्ग साइड से फोर्थ रो। रॉन्ग साइड से फोर्थ रो में 1 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे यहाँ पर हम उल्टे बना लेंगे। जो फंदे हमारे राइट साइड में सीधे हैं वो यहाँ पर आपने उल्टे बनाने, धागे को पीछे करेंगे। ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनेंगे, यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हम 2 फंदों को सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे यहाँ पर सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाकर इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब बनाएंगे हम राइट साइड से 5th रो। एज फंदा सीधा बना लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, उल्टा बनाएंगे। 3 फंदे हमारे यहाँ पर उल्टे हैं, इसको उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर 3 फंदे हमारे सीधे हैं। इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे, धागा हमारा आगे रहेगा और 3 फंदों का इस तरीके से एक करेंगे। और ये देखिए, धागे को आपने लूज़ करना इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा 1 फंदा हो गया। धागे को हम घुमाएंगे, ये 2 फंदे हो गए हमारे, इसको बनाएंगे, ये 3, फिर धागे को घुमाएंगे और ये हमारे 5 फंदे हो गए। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसे हम निकाल देंगे। अब देखिए, ये वाला जो धागा होगा, ये वाला, आगे आपको 2 धागे दिखाई देंगे। ये देखिए, ये वाला
और एक ये पीछे वाला धागा, ये वाला धागा लेना आपने और इसके ऊपर से ऐसे निकालना है, ये देखिए ऐसे, और इस धागे को आपने पलट कर ऐसे करना है, ये देखिए दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागे को अपनी साइड ही रखेंगे, फिर देखिए एक बार ये सीधे फंदे हमारे तीन फंदे, इन तीन फंदों को उल्टा बनाएंगे और इस धागे को हमने लूज़ करना है, ये देखिए इस तरीके, ये हमारा वन हो गया फंदा, यहाँ पर हमने टू इसको बनाएंगे, ये थ्री इसको घुमाएंगे, फोर इसको बनाएंगे, ये हमारे फाइव फंदे हो गए, इसको अब हम निकाल देंगे, ये देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव फंदे, अभी देखिए ये वाला फंदा लेंगे, देखिए ये वाला, इसके पीछे वाला फंदा ये वाला लेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे और इसको इस तरीके से ऐसे लेना, ये देखिए, फिर दो फंदे हम इसमें फिर उल्टे बनाएंगे, फिर ऐसे ही ये थ्री फंदे हैं इनको एक साथ लेंगे, फिर रिपीट करेंगे, उल्टा बनाएंगे, इस धागे को आपने लूज़ रखना है, इसको भी आपने लूज़ रखना है, ये देखिए, फिर धागे को घुमाएंगे और ये हमारे फाइव फंदे यहाँ पर रिपीट हो गए, इसको हम निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये धागा, इसको ऐसे लेंगे इसके ऊपर से और इसको आपने पलट कर इस तरीके से ऐसे करना है, उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, फिफ्थ रो आपने इसी तरीके से बनाकर कंप्लीट करना है, ये देखिए। अब बनाएंगे रॉन्ग साइड से सिक्स्थ रो, उल्टा बनाएंगे, एक धागे को घुमाएंगे, एक फंदा हमारा सीधा बनेगा, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब देखिए ये लूज़ वाला जो फंदा, जो हमारा आगे वाला, इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे ये देखिए वन टू वन टू, टू फंदे हम एक साथ लेंगे, ये देखिए, और इसको ऐसे बनाएंगे, फिर दो फंदे हम एक साथ लेंगे, इन दोनों को ये ऐसे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, टू फंदे हम इसमें सीधे बना लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, इस फंदे को आपने उल्टा बनाना है, ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे चार फंदे हैं, इन टू फंदों को हमने एक साथ में दो का एक बनाएंगे, इसे निकाल देंगे, फिर ऐसे ही ये देखिए धागे को घुमाएंगे, दो फंदे सीधे बना लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, ये देखिए जो आगे फंदा हमारा, इस फंदे को उल्टा बनाना है, फिर ये देखिए यहाँ पर हमारे, ये देखिए उल्टा बनाएंगे इसको, अब ये दो फंदे हैं हमारे, ये देखिए वन टू, इनको एक बनाएंगे, ऐसे ही ये फंदे हैं, इनको दो का एक, धागे को पीछे करेंगे, दो फंदे हम सीधे बना लेंगे, तीन फंदे यहाँ पर सीधे, धागे को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बना देंगे, देखिए ये हमारी रो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, देखिए हमारा डिज़ाइन ये बनने लगा है, ये देखिए। अब बनाएंगे हम सेवन्थ रो राइट साइड से, सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, यहाँ पर हमारे तीन फंदे सीधे हैं, यहाँ पर आप तीन फंदे सीधे बनाएं, यहाँ पर दो फंदे सीधे भी आ सकते हैं, धागे को हम पीछे करेंगे, अभी देखिए ये हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं तीन फंदे, इन फंदों को यहाँ पर हमने सीधा ही बनाना है, धागे को अपनी साइड करेंगे, दो फंदे आपने यहाँ पर उल्टे बनाने हैं, धागे को पीछे करेंगे, तीन फंदे यहाँ पर हम सीधे बना लेंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फंदा सीधा, ये देखिए सेवन्थ रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब एट्थ रो में जो फंदे आपको जैसे दिखाएं वो कर राशि आपने पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ऐसे ही रिपीट करना है जैसे हमने पहले किया था, फर्स्ट रो में हमने सीधा बनाया था, ये रो आपने नहीं बनानी, अब नेक्स्ट बनाएंगे तो आपने सेकंड रो से आपने स्टार्ट करना है, ये देखिए जहाँ से हमने तीन उल्टे दो सीधे, तीन उल्टे दो सीधे बनाए थे, अब आपने उसके बाद ये देखिए डिज़ाइन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये वैसा, ये देखिए इस तरीके से किया, सेम ऐसा ही अब आपने रिपीट करते जाना है, ये देखिए धागा आगे रहेगा और ये तीन फंदे हमारे सीधे हैं, इन फंदों को इस तरीके से बनाना है, फिर धागे को घुमाएंगे, ये देखिए फिर धागे को घुमाएंगे और ये देखिए और इसे निकाल देंगे, अब ये पीछे वाला फंदा है इसको लेंगे,
आगे से और इसको पलट कर इस तरीके से ऐसे लेना है आपने। दो फंदे फिर उल्टे बना लेंगे, फिर ऐसे ही रिपीट करेंगे। ये देखिए धागे को घुमाएंगे, ये देखिए धागे को घुमाएंगे और ये देखिए अब इसमें ये वाला फंदा इसको लेना है, आगे लेकर जाएंगे और इसको इस तरीके से ऐसे करेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे और आपका डिज़ाइन फ्रंट बन जाएगा। बहुत इजी डिज़ाइन और ये देखिए देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ये देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।